हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी विंटर सीजन हो गया है स्टार्ट, तो आज मैं बड़ी ट्रेंडी ड्रेस बनाने वाली हूं इन दोनों लेसेस के साथ। तो मैंने यहां पर लिया है वेलवेट फैब्रिक। तो अब वेलवेट फैब्रिक का सीजन जो है वो आ गया है, आप किसी भी फंक्शन में अभी वेयर कर सकते हैं इस वेलवेट फैब्रिक को। तो मैं बनाने वाली हूँ जो ड्रेस वो बहुत ही क्लासी लगने वाला है। ये देखिए, इस टाइप की ड्रेस मैंने बहुत दिनों से सोच कर रखी थी कि मैं बनाऊंगी, और फाइनली आज मैं आपको बताऊंगी कि ये ड्रेस आप किस तरह से बना सकते हैं। आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी इसका लुक जो है वो दिख रहा होगा, और आप जब इसे वेयर करेंगे तो बहुत ही क्लासी लुक आने वाला है आपके ऊपर इस ड्रेस का। तो यहाँ पर मैंने एक चौड़ा सा लेस लिया है, ये ब्लैक में है ये लेसेस, और एक और लेस मैंने लिया है जो कि है बहुत ही पतली वाली लेस। इन दोनों लेसेस के साथ हम बनाएंगे ये ड्रेस। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम कुर्ते की कटिंग एंड पैंट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो वेलवेट फैब्रिक लिया है वो लिया है मैंने 4.5 मीटर। ऊपर हमारे कुर्ते में हमने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक, और हमारे जो नीचे की पैंट रहेगी उसके लिए लिया है मैंने 2 मीटर फैब्रिक। तो ये हमारी आगे की नेक है, ये वी शेप में रहेगी। तो यहाँ मैंने वी में कट कर लिया है नेक को। ये है हमारे स्लीव्स, हम अब स्लीव्स को भी कट कर लेंगे, और उसके बाद हमारे नीचे की जो हमारी पैंट है उसकी भी कटिंग हम कर लेंगे। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, ताकि आप मेरे साथ टच में रहेंगे तो आपको जो भी मेरी वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने पैंट की कटिंग कर ली है। अब हमारी जो पैंट का क्रॉच एरिया है उसे हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद एक सिलाई हम लगाएंगे पॉइंट की उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया को स्टिच कर लिया। अब हमारे जो यहाँ पर इलास्टिक लगेगी जो हमारी वेस्ट में, यहाँ पर वो हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है, इसमें हम डालेंगे इलास्टिक, और इलास्टिक के बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक पे। तो हमारी पैंट जो है वो ऊपर की स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, अब हम इन दोनों जो हमारी ये इलास्टिक है इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया। अब एक सिलाई हमारी जो हमने यहाँ पर ओपन रखी थी उसके ऊपर हम कर लेंगे। अब हम पैंट में लगाएंगे ये लेस। तो यहाँ पर मैंने चौड़ी वाली लेस ले ली है, और इसे हम स्टिच कर लेंगे। लेकिन जब हम इसे स्टिच करेंगे तो 1/2 इंच मैं यहाँ पर छोड़कर स्टिच कर रही हूँ इस लेस को, क्योंकि बाद में मैं इसमें 1/2 इंच पे सिलाई लगाने वाली हूँ, फैब्रिक में डालने वाली हूँ। तो इसलिए हमने 1/2 इंच यहाँ पर छोड़कर सिलाई लगाई। अब हम इस लेस को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारी पहली वाली लेस लगा ली है। अब हम ले लेंगे ये पतली वाली लेस, और पतली वाली लेस को भी अब हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। थोड़ा सा हमारा जो ब्लैक है वो हमारे दिखना चाहिए, तभी ये अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहाँ पर हमने देखिए लगा ली पतली वाली लेस। अब हमने ले ली है ये फैब्रिक। तो फैब्रिक को हमने 1/2 इंच छोड़ा था, यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे पीछे की साइड से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया, जितनी हमारी लेस थी उसी अकॉर्डिंग मैंने चौड़ी सी फैब्रिक ली है। तो यहाँ पर हमने लगा ली। अब हम इस पैंट की सिलाई कर लेंगे, और ये देखिए हमारी पैंट जो है वो रेडी हो गई है बनकर। अब हम हमारा जो कुर्ता था उसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुर्ता लेंगे, कुर्ते का बैक पार्ट है ये। इसमें हम सबसे पहले पीछे की साइड मैंने राउंड नेक दिया है, तो राउंड नेक को हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने राउंड नेक को स्टिच कर लिया। बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। और अब ये है हमारा फ्रंट नेक। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको वी हमने दिया है नेक। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कट किया नीचे नेक को, और इसे फोल्ड कर लिया। आप चाहें तो इसे आयरन से भी इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं 1/2 इंच के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर ये लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर चलिए अभी हम इस लेस के साथ नेक की स्टिचिंग कर लेते हैं। बहुत लोगों को वी नेक लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है वी नेक पे लेस लगाने पे, लेकिन हमें सिंपली इस तरह से हम यहाँ पर यहाँ तक नीचे के साइड पे आ जाएंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर कॉर्नर जो है बना लेना है लेसिस के साथ। आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमने यहाँ पे कॉर्नर जो है वो बना लिया। और अब हम इस तरह से टर्न कर लेंगे, और टर्न करते हुए फिर से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो लेस की पहली साइड थी उसे हमने स्टिच कर ली। अभी हम दूसरी साइड जो है उसे भी इस तरह से हल्के हाथों से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर जो नीचे की साइड पे कोना है इसे हम टर्न करते हुए ऊपर की साइड लाएंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और फिर हम एक टर्न ले लेंगे, इसी के ऊपर हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली है इसी के ऊपर। फिर से हम टर्न करेंगे, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेस बची हुई है इसे हम कट कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम सिंपली जैसे हमने स्टिच किया था लेसेस को, उसी तरह से हम यहाँ पे लेस को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने लेस को स्टिच कर लिया, हमारी ये लेस जो है चौड़ी वाली वो हमारी लग गई है। ठीक इसी तरह से हमारी जो पतली वाली लेस है उसे भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। और ये देखिए हमारा नेक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अब हमारी जो बैक साइड और फ्रंट साइड का जो हमारा कुर्ता है उसकी हम दोनों साइड्स को आपस में मिलाकर स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद हम ऊपर शोल्डर भी स्टिच कर लेंगे, और नीचे की साइड पर हम दामन में ये लेसेस लगा लेंगे जिस तरह से हमने हमारी नीचे लेसेस लगाई थी उसी तरह। तो यहाँ पर ये देखिए हमने लेसेस लगा ली है और हमने यहाँ पर चाक भी बना लिया है, और यहाँ पर मैंने स्लीव्स में भी लेस देखिए स्टिच कर ली है। अब हमें ये जो स्लीव्स है इन दोनों को हमारे कुर्ते में हम स्टिच कर लेंगे। और इसी के साथ ये देखिए हमारा जो ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट है वो बनकर हो गया है रेडी। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर हमने लेस लगाई है इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है इस लेस की वजह से। और ये ब्लैक है, ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन तो आप सबको पता है कि कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी नेक है, और इसी के साथ हमारे ये कुर्ता सेट बहुत ही ट्रेंडी सेट और बहुत ही क्लासी लुक आ रहा है इस ड्रेस का। जब आप इसे वेयर करेंगे तो आई एम श्योर आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लगने वाला है और अब बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है। फ्रेंड्स अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कटिंग और स्टिचिंग समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।